अपने फिल्मी करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके चंकी पांडे का आज जन्मदिन है। चंकी ने एक्शन से लेकर कॉमेडी तक में अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ दिए। हालांकि बॉलीवुड में उन्हें कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद एक्टर ने बांग्लादेश का रुख किया। चंकी को बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। चंकी ने अपनी पहली फिल्म को लेकर एक मजेदार किस्सा भी बताया, जिसे सुनकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। आपको ये किस्सा बताएंगे। नमस्कार, जेबीटी एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ तरसला खान। दरअसल एक इंटरव्यू में चंकी पांडे ने एक ऐसा किस्सा बताया जो बड़ा ही दिलचस्प है। एक्टर ने बताया कि उन्हें पहली फिल्म पजामे की नाड़ी खोलने से मिली थी। उन्होंने बताया कि वो एक शादी में चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहन कर गए थे, जहाँ उनसे टॉयलेट में नाड़ा नहीं खुल पाया। एक्टर ने बताया कि वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन सब ने उनकी बात को मजाक में लिया। ऐसे में फिल्म मेकर पहलाज ने नाड़ा खोलने पर उनकी मदद की। आगे चंकी कहते हैं कि उसके बाद से मुझे फिल्म ऑफर हुई। चंकी पांडे ने कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें से कुछ हिट साबित हुई तो कुछ फ्लॉप हो गए। एक्टर ने अपने किस्से को आगे जारी रखते हुए बताया कि नाड़े वाले इंसिडेंट के बाद निहलानी से मेरी बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद निहलानी ने मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक मॉडल हूं और काम की तलाश कर रहा हूं। ये सुनते ही चंकी को निहलानी ने तुरंत एक फिल्म ऑफर कर दी। बस फिर क्या था, उसके बाद से चंकी असली चंकी पांडे बन गए। वेल, आपको चंकी की कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है या उनकी एक्टिंग, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।